हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वाटर प्रोपेगेशन के बारे में, और जैसे कि इसमें हम कौन सी मिस्टेक करते हैं जब हम वाटर प्रोपेगेशन करते हैं, तो उन्हीं के बारे में करेंगे। अगर हम उन्हें अवॉइड करें तो हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी अपनी कटिंग्स को ग्रो होने में। तो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये देखिए, मेरे सारे प्लांट्स जो है जो वाटर मैन में मैंने प्रॉपगेट किए हैं, तो बड़े अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं और सारी कटिंग्स बड़ी अच्छी चल पड़ती हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है इनमें। तो फर्स्ट थिंग जो है इसमें, आपको जब भी आपको मेनली आप वाटर प्रॉपगेट कर रहे हो, वाटर में प्रॉपगेट कर रहे हो प्लांट्स, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी आपको कंटेनर ले रहे हो, कोई बॉटल ले रहे हो, तो आपको ऐसी लेनी है कि वो सी थ्रू हो, कि आप रूट्स क्लियरली देख पाओ उसमें कि आपकी रूट्स कैसी है। ये नहीं कि आप ऐसा कुछ ले लो कि आपको रूट्स नज़र ही ना आए, बिकॉज़ उसका एक रीज़न है कि जब आप वाटर में प्रॉपगेट कर रहे हो तो जो पानी है वो समटाइम्स होता है कि आप वाटर चेंज नहीं किया तो उसमें जो रूट्स है वो भी ख़राब हो जाती हैं, और उसमें जो मॉस्किटोज़ है वो भी जो आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको सी थ्रू होगी रूट्स, तो आप देख पाओगे कि आपकी बोतल में कैसी है आपकी रूट्स। इवन जो एक अलग ही इसको रूट्स को देखने का मज़ा होता है ना, लाइक प्रोपगेट तो हम सॉइल में भी कर पाते हैं, सॉइल में भी कर लेंगे इनको, बट जो हम जो एक इनको देखने का एक्सपीरियंस है, हैप्पीनेस है, जो रूट्स अब ग्रो करती हैं, वो हम सॉइल में नहीं देख पाते, तो वो इसमें ही देख पाते हैं। तो एक तो ये भी हुआ कि आप इससे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और सेकेंडली आपको वाटर का पता चलेगा कि आपका वाटर कभी ख़राब तो नहीं हो गया, रूट्स ख़राब तो नहीं हो गई। आप बाहर से चेक कर पाएंगे, आपको बार बार रूट्स बाहर निकालने की जरूरत। जैसे मैंने ये देखिए बॉटल्स ली है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कंटेनर ले रहे हो, अगर आपकी जो रूट्स है, अगर तो उसकी प्लांट की जो रूट्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, तो आपको कंटेनर भी थोड़ा उसका जो जैसे हमें ये डालना है, उसका थोड़ा ये चौड़ा लेना है। देखिए ये जैसे अभी बड़ा है इसका जो मुंह है इसका, तो ऐसे ही आपको कंटेनर लेने हैं कि आपकी रूट्स ख़राब भी ना हो जाए, ये ना हो ये आप रूट्स निकालें और आपकी रूट्स जो है ख़राब हो जाए, निकालते निकालते ही ख़राब हो जाती है समटाइम्स रूट्स। तो ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज़ का। और सेकंड जो आपको ध्यान रखना है, वो जब आप वाटर प्रोपगेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कुछ जब आपने कटिंग लगाई, तो कटिंग लगाने के बाद ये देखिए, ये मैंने कलांचो किया हुआ है, इसमें कलांचो भी वाटर में बड़ा अच्छा प्रोपगेट होता है, देखिए इसकी रूट्स भी। तो फर्स्ट थिंग आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप प्रोपगेशन कर रहे हो, उसमें जो वाटर है स्टार्टिंग में आपको डेली चेंज करना है वाटर, अपना टैप वाटर लेना है, सिंपली डेली वाटर चेंज करना है, और जब रूट्स आ जाएंगी उसके बाद आपको आफ्टर 4 to 5 days इसका जो है वाटर चेंज करना है, रूट्स को देखना ध्यान से, और सेकंड जो आपकी रूट्स है उनको भी चेक करना है। समटाइम्स होता है हम वाटर चेंज जब करते हैं तो उसमें ना छोटे छोटे कुछ जैसे कुछ मॉस्किटोज़ के लावा वगैरह वो कुछ होते हैं, तो अगर हम उन्हें चेंज करेंगे जब वो रूट्स में ही लग जाते हैं, रूट्स के अंदर, तो रूट्स को भी आपको क्लीन करना है, निकाल के वो आपको प्रॉपर करना है हमें। वो हमें ये नहीं कि हम ये डेंगू मलेरिया को भी बढ़ावा नहीं देना हमें, तो वो भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जब भी आप वाटर प्रोपगेशन कर रहे हो, तो जो लाइट है इनको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए, ना तो इनको सनलाइट चाहिए और ना ही इनको ट्यूब लाइट कोई ऐसी लाइट चाहिए, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें हमें ब्राइट लाइट में ही रखना है, तभी रूट्स ग्रो होंगी। तो अदरवाइज़ जो है, अगर डार्क प्लेस पे कहीं रख दोगे या सनलाइट में, तो रूट्स नहीं आएंगी। तो जैसे ये देखिए, ये सिंगोनियम लगा हुआ है इसमें, तो इसकी रूट्स थोड़ी हार्ड होती हैं, तो इनको क्लीन करना है आपको। और उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम वाटर प्रोपेगेशन कर रहे हैं,
तो स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि जब हम कटिंग्स ले रहे हैं, पहले तो हमें कटिंग कुछ ज़्यादा नहीं लेनी, कोई ज़्यादा लंबी लंबी कटिंग्स नहीं लेनी आपको, बिल्कुल भी नहीं लेनी, छोटी छोटी कटिंग्स लेनी है और नीचे वाले जो लीव्स है वो हटा देनी है, ये वाले नीचे वाले लीव्स, ये पानी में नहीं आने चाहिए, पानी में जाएंगे तो रूट वो भी रूट रोट हो जाएंगे तो पानी भी ख़राब होगा और आपकी जो ये कटिंग्स है वो भी रोट हो जाएंगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, नीचे की जो लीव्स है उनको हटा देना है हमें, उनको कभी भी वाटर में नहीं रखना। और उसके बाद जो स्पेशल एक चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि वाटर का लेवल कितना होना चाहिए। देखिए अभी जैसे ये कटिंग्स है, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बड़े वाली कटिंग्स लगी हैं तो इसमें जो अभी यहीं है इसकी रूट्स यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, तो मैंने वाटर का लेवल पूरा ऊपर तक रखा है, ये नहीं कि ब्लाइंडली वाटर डाल दिया, नो, आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये मैंने रोइयो लगाया है, तो रोइयो की जो मैंने ग्लास में लगाया डिस्पोजेबल में, तो रोइयो को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी, देखिए सिर्फ जहाँ उसकी रूट्स निकलेंगी रूट्स को ही पानी मिलना चाहिए, लीव्स को नहीं, नहीं तो रूट रूट होगा ही होगा। आप पानी करोगे कि फिल यहाँ तक कर दिया। अभी ये देखिए, ये मैंने इसमें भी जो पानी है उसका लेवल इतना है ताकि रूट्स ही उसमें डिप हो बस, और अगर लीव्स हो रही हैं तो उनको निकाल दीजिए, क्लीन कर दीजिए वाटर को। और फ्रेंड्स जो रूट्स है आपको ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं होने देनी चाहिए, उसके बाद इसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है, या तो कंटेनर आप चेंज कर लीजिए, बड़ा ले लीजिए अगर कंटेनर छोटा है, अदरवाइज़ रूट्स, कई रूट्स ना नीचे से कट भी हो जाती है, कई बार जैसे पोथोस है, पोथोस की रूट्स को एक्स्ट्रा को कट करके वापस लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा इसको, बड़े अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए, ये मैंने जैसे ये स्नेक प्लांट तो मैंने काफ़ी बार शेयर किया है आपके साथ, ये पानी का बस लेवल देखिए, वाटर लेवल मैंने कितना कम रखा हुआ है इसमें। स्पेशली ये बात का ध्यान रखना है आपको, इनको वाटर में कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, तो बस वाटर का स्पेशली ध्यान रखना, लेवल जो है काफ़ी कम होना चाहिए और पानी बिल्कुल सूखने भी नहीं देना, नहीं तो आपकी कटिंग्स जो है वो सूख जाएगी। ये देखिए, एक ये मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए इसमें अभी, इसमें जो रूट्स है नीचे तक है, तो इसके वाटर का लेवल देखिए। अगर आप सोचोगे कि भर के ही लगाना है तो वो आपके जो है प्लांट को डैमेज कर देगा, कटिंग्स को। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें तुलसी भी लगा रखे हैं, ये तुलसी का एक है प्लांट, ये वाटर में ही ग्रो कर रहा है, तो कोई भी प्लांट आप ऐसे ही वाटर में लगा के इनसाइड रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं उनको, स्टोन डाल के कुछ भी, बस थोड़ी सी कुछ बातें हैं जिनसे आप वाटर प्रोपोगेशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। वही बात है कि हो तो सॉइल में भी जाएगा, बट जो ये रूट्स देखने का मज़ा है वो वाटर में ही है। और बॉटल्स आपको ऐसे ही लेनी है कि आप रूट्स को देख पाएँ क्लियरली, ताकि उनको क्लीन कर पाएँ। और एक अगर आपकी अभी भी रूट की प्रॉब्लम नहीं, रूट लाइक नहीं हो रहा है आपसे वाटर में प्रोपगेट, तो आप क्या कीजिए कि स्टार्टिंग में जैसे रूटिंग हार्मोन का यूज़ कैसे करना है आपको, एक वो बाउल में आप रूटिंग हार्मोन पानी में डाल के बाउल में डाल दीजिए, एक सिंपल वाटर ले लीजिए, जैसे ये सिंपल है, सिंपल वाला रख के दो मिनट के लिए पानी में रखिए उसको, रूटिंग हार्मोन वाले में, उससे निकाल के सिंपल वाटर में रख दीजिए कटिंग्स को। और जो प्लांट्स होते हैं जिनमें कैलस होता है, जैसे कि ये सकेलेंट्स होते हैं, जैसे लाइक स्नेक प्लांट है, ये बेबी सनरोज है, तो इनका कैलस ज़रूर सूखने देना, सीधा आपको वाटर में नहीं इनको डाल देना, नहीं तो आपकी जो है रूट रोट की प्रॉब्लम होगी होगी। उनको एक दिन रख लीजिए बाहर और उस नेक्स्ट डे उसको वाटर में डालना। और जैसे कुछ प्लांट्स में ये होते हैं, जैसे डेविल्स बैकबोन है, इसमें वो सैप निकलता है वाइट कलर का, उनको भी कम्प्लीटली ड्राई होने देना, तभी आपको इनको वाटर में शिफ्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।